रिलायंस ने 1260 करोड़ में कंपनी खरीदी जिसका रेवेन्यू सिर्फ 2 करोड़ है, ऐसा क्यों? 3 थिंग्स टू नो अबाउट इट। पूरे वर्ल्ड के जो सारे बड़े बिलियनर्स हैं, सारी बड़ी कंट्रीज हैं, उनको ये लगता है कि आने वाला फ्यूचर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी का है, लेकिन इन सब में जो यूज होती है बैटरीज वो लिथियम आयन है, उसको रिप्लेस करने की कंपनी रिलायंस ने खरीदी। लिथियम आयन बैटरीज का रिप्लेसमेंट है सोडियम आयन बैटरी, जिसका पेटेंट सिर्फ 2 कंपनीज के पास है पूरे वर्ल्ड में, एक चाइनीज बेस्ड कंपनी एंड सेकेंड इज यूके बेस्ड फैराडियन, जो रिलायंस ने खरीद ली। तो सोडियम आयन बैटरीज 1/20th कॉस्ट में बन जाती है और -30 डिग्री से लेके +60 डिग्री तक चल जाती है। दैट इज वाई सब लोगों को लगता है कि लिथियम आयन बैटरीज को ये रिप्लेस कर देगी। अभी ग्लोबली लिथियम आयन बैटरीज का मार्केट है $41 बिलियन। सिर्फ 2 कंपनीज होगी जो सोडियम आयन बैटरीज बनाती है पूरे वर्ल्ड में, तो अगर रिप्लेसमेंट हुआ तो रिलायंस विल हैव अ मोनोपोली ओवर द वर्ल्ड। इसीलिए उन्होंने 2 करोड़ की रेवेन्यू वाली कंपनी को 1260 करोड़ रुपए में खरीदा। नाउ व्हाट डू यू थिंक, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या अंबानी इस पे प्रॉफिट कमा पाएगा कि नहीं?